पंजाब के जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा कल लुधियाना पहुंचे, जहां उन्होंने लुधियाना की केंद्रीय जेल का मुआयना कर कैदियों से मिलने के लिए आए परिवारों के लिए बनाए गए नए हॉल का उद्घाटन किया और वहीं नई मार्कफेड आउटलेट का भी उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने लुधियाना सीट से कांग्रेस की कई दावेदारियां पेश किए जाने व पंजाबी एकता पार्टी पर कटाक्ष किए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि लुधियाना सीट से जो मर्जी अपनी दावेदारी पेश करे, लेकिन मरहूम पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की शहादत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वहीं टकसाली आगुए पंजाबी एकता पार्टी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पंजाबी एकता पार्टी की अपनी भी कोई एकता नहीं है। पंजाब की जेलों में अभी भी नशा व मोबाइल के सक्रिय होने पर उन्होंने कहा कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है, तब से हमारी पहल अकादमी रही है कि नशे को खत्म किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने दिनकर गुप्ता जी को जीडीपी लगाए जाने पर भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। अंदर मिलने आते हैं उन्होंने जो परिवार ने उन्होंने वेटिंग हॉल जो बनया वह उद्घाटन सगा और नाल ही जेल के सारा देख के आएंगे की इतने कमियां ने इन्हों जी बेकरी का काम है नमकीन प्लांट बन सी उन्होंने चला करा तो बाकी जो भी इतने अंदर उन्होंने वो तो वह काम के उत्ते जो कैदी ने उन्होंने लाया जाए ये सारी चीज़ा अभी देखी हैं और जड़िया होर भी चीज़ा ने इन्हों ने जो स्टाफ ने अपनी लिया प्रॉब्लम उन्होंने बारे भी विचार किया। रंधावा साहब लगातार देखने आ रहा है कि मोबाइल से नशा हजे भी जेलों से कितना कितने सप्लाई हो रहा है, वो ठल पाने लिए बतौर जेल मंत्री की उपराले कर रहे हो? मेरे ख्याल जिन्हें असं उपराले किए मेरे ख्याल कभी भी किसी जेल मिनिस्टर ने तो इन्ने साल रहे होने तो जेल मिनिस्टर ज एडीजीपी कभी भी विजिट नहीं करते, अं रेगूलरली जी विजिट कर रहे हैं और बहुत असी स्टैप्स जो चके ने और मेरे ख्याल कि मैक्सीमम जे कोई क्राइम घटाया तो असं जेलों के साथ जो टेक ओवर किया इतने किया जी छुटपुट जी घटना ने उन्होंने भी देख के असी बड़ा स्ट्रिक्ट जो एक्शन लै रहे हैं और ये भी बंद कर दिए जाएंगे। एक रंधावा साहब लोकसभा सीट में लैके लुधियाने सियासी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं, तीन तीन दावेदारियां कांग्रेस वालों पेश दावेदारियां जिन्नी मर्जी कर सकन पर मेरे ख्याल है कि रवनीत बिट्टू होनी सरदार बेअंत सिंह के परिवार की बड़ी वड्डी शहादत है वो इग्नोर नहीं हो सकती। एक सौ टकसाली आगू जो कद कह रहे हैं कि वह पंजाबी एकता पार्टी वाल जाएंगे, कभी कहें कि वह सुखपाल खहरा की, कद कहें भी वो आम आदमी पार्टी। देखो अजे पंजाब ये नहीं पता कि पार्टियां किनिया उठनियाँ, पहलों इलैक्शन नेड़े आने दे उहदे बाद देखांगे कि किहड़े आउंदे ने, टकसाली आउंदे ने, कोई एकता आउंदी है कोई ना एकता आउंदी है। मेरे ख्याल एकता जिन्हां रखे उन्हां ने तो आप ही कभी किसी ने एकता नहीं की, पहलां अकाली दल च सी फिर कांग्रेस च आ गए, कांग्रेस चों आप च चले गए, आप चों अपनी अपनी एकता पार्टी बनाई, फिर अपना वह एका कर लैन कि वह अपना एकता पार्टी वाले मन बना लैन कि असीं एक च रहना सी कि जब बाहर रहना अजे दो महीने बाद वेखो शायद टिकटों वे फिर उन्होंने एकता टुट जाए, ये अजे पहला अजे दो महीने बहुत पे ने। सवाल यह है कि दिनकर गुप्ता जी ने हमने डीजीपी का अहुदा संभालिया तो बतौर जेल मंत्री कोई नवे दिशा निर्देश उन्होंने कि ड्रग पर काबू पाने कोई खास साढ़े ऑलरेडी चल रहे ने, पहले भी चलते साढ़े ए डी जी पी साहब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिल के आए हैं, सी आर पी एफ लाए ने और थोड़े दिन से ही डिप्लॉयमेंट इन्हों की हो जानी सी आर पी एफ की, तो जोड़े भी कोई चीज़ें है साढ़े ए डी जी पी जेल्स जोड़े ने उन्होंने इंटरज ने और असी टाइम टू टाइम उन्होंने कंसल्ट करते रहे।